नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया आप सबके बीच यहां आने का। कल रात से लेकर अभी ब्रेकफास्ट पर भी काफ़ी विस्तार से डॉक्टर त्यागी जी से बात हुई मेरी, और उसमें मैंने जाना कि कैसे अग्रवाल बंधु यहाँ बैठे हैं हमारे शिव किशन अग्रवाल जी, बनोहर अग्रवाल जी, उन्होंने हल्दीराम का जो ब्रांड है छोटे बिजनेस से लेकर और फिर उसमें भी जो अड़चनें आई उसको लेकर और आज किस स्टेज तक पहुंचाया है, एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सराहनीय एक उनकी कहानी है। और उसके बाद जैसे मित्तल साहब से मिला, आरडीआर के ग्रुप के जो ओनर्स हैं उनसे मिला, तो आप सबकी ही बहुत ही रोचक कहानियां हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु हैव रीच्ड दिस इंडस्ट्री टू अ लेवल ऑफ 101 लाख करोड़ एनुअल टर्नओवर इज ए रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक आप सबका मैं अपनी ओर से और देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें जो आपका सहयोग और अनुदान देश के विकास के लिए, लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए जो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। कैलाश जी बोल रहे थे कि आप सब यहाँ पर आए हैं 3 पर्पजेस के लिए, मैं उसमें एक और ऐड करना चाहूँगा और वो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप सब यहाँ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो मिठाई और नमकीन के व्यापार को इतना बढ़ाया है जिन लोगों ने और जो वेल्थ क्रिएट की है अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, देश के लिए, जो रोज़गार पैदा किए हैं देश के लिए, बाकी लोगों के लिए, अब मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के लिए एक मिठाई और नमकीन, अगर इसको 1.0 बोला जाए तो 2.0 मिठाई एंड नमकीन ग्रोथ स्टोरी 2.0 शुरू करने की ज़रूरत है। और उसमें आप सबको मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा कि मिठाई और नमकीन ग्रोथ स्टोरी 2.0 कैसी हो सकती है। उसकी थोड़ी बहुत पहल आप लोगों ने ऑलरेडी की है, जैसे रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल में, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है आप सब लोग ही उसको पहले से भी डिस्कार्ड कर रहे थे, अब एक सिस्टमेटिकली तरीके से जब आप लोगों ने डिस्कार्ड करना शुरू किया है, और संदीप चतुर्वेदी जी बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर प्रस्तुत हैं, वो मुझे बता रहे थे कि इस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया है, और जो आपका ये सहयोग है ये केवल मात्र वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, ये हेल्थ क्रिएशन के लिए भी है। ये देश में हमारे सब लोग स्वस्थ रहें, यूज्ड कुकिंग ऑयल फूड इंडस्ट्री में वापस ना आए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। तो इस तरह से जो ग्रोथ स्टोरी ऑफ मिठाई एंड नमकीन 2.0 में देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सब लोग मिलकर किस तरह से इस सेक्टर को फर्दर ग्रो करें, और ग्रो ही नहीं करें बट एक रिस्पॉन्सिबल बोथ कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन कैसे ले जाएं। समाज के लिए
how can this sector, individual businesses yahan par hain, Agarwal sahab hain, yahan par Nagri ji hain, Raja sahab hain, Murappa, Mupalla sahab hain, ki aap log apne bachchon ko jab ye businesses saunp rahe hain, wo कहना वो देखना चाहेंगे कि हम वेल्थ तो क्रिएट करेंगे ही साथ में ही हमारा बिजनेस हाउ कैन वी लीव अ बेटर वर्ल्ड फॉर टुमारो फॉर आवर चिल्ड्रन एंड उस सब को करने के लिए सेफ्टी और हाइजीन तो बहुत जरूरी है ही और उसमें मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उन्होंने काफी अच्छा काम किया है उसको फर्दर आगे ले जाना है दूसरा एक जो आम जनता में सब में एक धारणा है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इस सेक्टर से आ रहे हैं वो शायद उतने हेल्दी नहीं हैं सो हाउ डू वी रीफॉर्मुलेट दीज प्रोडक्ट्स सो दैट दे आर हेल्दियर दैट परसेप्शन गोज हल्दीराम ग्रुप ने जैसे एक पहल की है उसमें होल फूड्स एक छोटी कंपनी उन्होंने खरीद कर उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि उसमें उस तरीके से ग्रोथ अभी नहीं आ पा रही है जैसा कि वो उम्मीद करते थे उन्होंने मुझे मालूम है कि अपने ट्रेडिशनल नमकीन्स और स्वीट्स में भी लो स्वीट ऑप्शंस लो सॉल्ट ऑप्शंस नॉन फ्राइड ऑप्शंस बेक्ड ऑप्शंस रखे हैं उसमें भी वो बता रहे थे कि अभी उस तरह का ग्रोथ नहीं आ रहा है और उसमें टेस्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है इसीलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में फ़र्क पड़ता है तो अब अगर ये फेडरेशन जो बनी है और मुझे बड़ी खुशी है कि साहब आप सब लोग मिलकर एक साथ काम करने के लिए अभी प्रस्तुत हुए हैं जैन साहब फिरोज साहब इसमें आपकी मदद कर रहे हैं तो इसको हम आगे कैसे मिठाई और नमकीन सेक्टर हेल्दियर ऑप्शंस कैसे लेकर आए उसमें जॉइंटली आप क्या रिसर्च कर सकते हैं क्या इनोवेशंस कर सकते हैं वो इनोवेशन एक ग्रुप के लिए ही उपलब्ध ना हो बल्कि पूरी इंडस्ट्री को वो उपलब्ध कराए जाएं ये उसका एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा जो ग्रोथ स्टोरी ऑफ 2.0 और जो आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं और जो बिजनेसेस आज एक लेवल पर पहुंच गए हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ तो अब निश्चय ही आप लोगों ने एक लॉन्ग टर्म सोचने का विचार किया है अभी आपको रोज़मर्रा की डेली रोजी रोटी क्या मैं कहाँ से व्यवस्था करूँगा उसकी आपको चिंता नहीं है आप अब अपने बिजनेस की ग्रोथ स्टोरी देख रहे हैं 10 साल 20 साल 25 साल में आपकी ग्रोथ स्टोरी क्या होगी ग्रोथ स्टोरी में मैं कहना चाहूँगा कि हेल्दियर फूड को लेकर जो एक मुहिम हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में चल रही है और उसका मूल कारण है कि डायबिटीज़ ओबिसिटी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हार्ट डिजीजेज ये बहुत ही रैपिडली बढ़ रही हैं बहुत ही जल्दी से ये बढ़ रहे हैं इसलिए सरकार की तरफ से और आम जनता में भी एक जागरूकता आ रही है कि कैसे हम नमक चीनी और सैचुरेटेड फैट्स या इंडस्ट्रियल फैट्स जो होते हैं उसका सेवन कम से कम करें तो इस जो एक माहौल देश में बदल रहा है हालांकि अभी उसका पूरा कैसा प्रारूप होगा वो सामने नहीं आया है आप हम सबके सामने लेकिन आने वाले दिनों में 10 साल में 15 साल में ये निश्चय ही होगा तो उसके लिए इस इंडस्ट्री को तैयार होने की ज़रूरत है
आप लोगों को मिलकर इनोवेशन करने हैं, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ने एक ग्रोथ दिखाई है. अभी दिस ग्रोथ हैज़ टू बी हेल्दियर नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंड दैट इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल फॉर ग्रोथ स्टोरी ऑफ नमकीन एंड मिठाई सेक्टर इन द कंट्री. एज आई एम सेइंग, इट इज़ ग्रोथ 2.0. इसके साथ साथ ही बहुत से और भी ऐसे इश्यूज हैं जिन पर इस इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी हो गई है ध्यान देने की ज़रूरत है. उसमें यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि प्लास्टिक का यूज़ और पर्टिकुलरली सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होती है उसका इस्तेमाल कम से कम कैसे किया जाए. फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर, मिठाई और नमकीन में भी प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल काफ़ी होता है, उसको हम कम से कम कैसे करें, ये भी एक ग्रोथ 2.0 का आप लोगों का उद्देश्य रहना चाहिए. तीसरा, पानी की खपत, एफ्लुएंट वाटर डिस्पोजल, क्योंकि मिठाई नमकीन बनाने में पानी भी मात्रा में लगता है. वेस्ट वाटर कैसे रोका जाए, जल शक्ति अभियान सरकार ने चलाया है जिसमें हमारे हर नागरिक को स्वच्छ जल मिल पाए. साथ साथ में ही जैसे जल प्रशासनों के ऊपर हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, जल पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है, इसीलिए जहाँ पर भी पानी की बचत की जा सके वो हमें और इस इंडस्ट्री को भी इसमें आगे आकर काम करने की ज़रूरत है. हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर कुछ मुद्दे हैं. जैन साहब ने बोला कि फेडरेशन FSSAI के साथ में मिलकर इसमें काम करना चाहता है, ये मैं उनकी सराहना करता हूँ. बिल्कुल हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे. इसमें हमने पिछले सालों में एक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि हाइजीन और सैनिटेशन कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, प्रोसेसिंग यूनिट्स में जहाँ फूड प्रिपेयर होता है वहाँ कैसे मेंटेन किया जाए. इसमें फेडरेशन के माध्यम से जितने भी आपके फेडरेशन एसोसिएशंस और इंडस्ट्री मेंबर्स हैं उसमें सब में आप लोग अगले साल दो साल में सब जगह पर फास्टैग सर्टिफाइड मैन पावर हो, ये चुनौती आप ले सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है. हाइजीन रेटिंग, मिठाई की दुकान, बेकरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर हम लोगों ने एक हाइजीन रेटिंग की परिकल्पना की है जो इस इंडस्ट्री में आप लोगों के आउटलेट्स हैं वहाँ हर जगह पर उस तरह की हाइजीन रेटिंग हो, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं और फेडरेशन इसमें एक बड़ा सहयोग कर सकता है FSSAI का कि आपके जो 4000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और मुझे लगता है कि 40,000 मैन्युफैक्चरर्स के साथ में जो रिटेल आउटलेट्स हैं, 40,000-50,000 रिटेल आउटलेट्स उनके साथ में जुड़े होंगे. अगर ये 40,000-50,000 जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर हाइजीन रेटिंग हो जाती है तो एक जो है हम लोग एक मैसेज भेज रहे हैं इस इंडस्ट्री की तरफ से, हम एक मैसेज भेज रहे हैं कि दिस इंडस्ट्री केयर्स फॉर यू, वी केयर फॉर योर हेल्थ, वी केयर फॉर योर हाइजीन. तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी. फूड वेस्ट भी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फूड वेस्ट और फूड लॉस जो फार्मर से लेकर हमारी टेबल तक खाना आता है उसमें लगभग 30-40% फूड वेस्ट हो जाता है या वो लूज हो जाता है। और विश्व भर में जितनी जनसंख्या है उसका 1/8 लोग लगभग 900 मिलियन यानी कि 1 बिलियन के करीब लोग उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये गणित बिल्कुल साधारण सा गणित है कि उसमें से अगर हम मात्र 1/4 भी बचा पाएंगे तो ये खाना जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको मिल जाएगा। इसमें भी आप लोग विचार करें कि फूड वेस्ट को कैसे रोका जाए, कंज्यूमर एंड पर इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि फूड वेस्ट के बारे में सेंसिटाइज करें। दूसरे देशों में और हमारे देश में भी इसको लेकर बड़ी जागरूकता आ रही है। इंडिविजुअल लेवल पर बहुत से रेस्टोरेंट्स, बहुत से कैटरर्स, इस तरह की जो एजेंसियां हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं जो इस तरह का सरप्लस फूड कलेक्ट करके और जो गरीब लोग हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं और फेडरेशन इसमें भी एक अहम भूमिका अदा कर सकती है। फिर एक और जो मुद्दा है इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट का, इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट जो कि कुछ मिठाइयों में, नमकीन में और बेकरी में मुख्यतर इस्तेमाल होता है, बेकरी शॉर्टनिंग वगैरह, उसमें इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट की अभी तक मात्रा 40-50% हुआ करती थी। उसको घटाकर एडिबल ऑयल में हम लोगों ने मापदंड तैयार किए हैं, अभी 5% है, आने वाले दिनों में वो 2% हो जाएगी। तो जो इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट है इससे लगभग हमारे देश में ही 45,000 डेथ्स होती हैं, 45,000 मृत्यु मात्र इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट से हो रही हैं। इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसमें प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में कुछ आइटम्स बनने में असुविधा होती है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है कि आप नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं जिससे कि इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट की मात्रा नगण्य हो, 2% से कम हो, जिससे कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो हार्ट डिजीजेज हैं ये ना हो। ये भी एक पहलू है, एक मुद्दा है जिस पर ये इंडस्ट्री काम कर सकती है। आखिर में जो रेगुलेटरी कंसर्न्स आप लोगों के हैं लेबलिंग को लेकर, मैंने देखा कि नेक्स्ट सेशन उसमें एक आप लोगों ने रखा है कि FSSAI रेगुलेशन इज, क्या नाम है भाई सेशन का? नहीं नहीं कंप्लायंसेस नहीं, नाम तो कुछ और रखा है आपने, बून और बेन। कंप्लायंसेस बून और बेन। देखिए जो रेगुलेटर होता है वो बेन नहीं हो सकता है भाई। आई रेगुलेटर जो अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेसमैन है, उसके लिए तो ठीक ही है। मैं रेगुलेटर में कुछ डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं एंड उन डिस्टॉर्शंस में के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन रेगुलेटर प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू फूड बिजनेसेस। अगर किसी सेक्टर में रेगुलेटर नहीं है वो सेक्टर की ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ ऑफ द सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है, एक क्रेडिबल रेगुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आम जनता, आपका कंज्यूमर आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। जो बड़े बिजनेसेस हैं
उनको ट्रस्ट अर्न करने के लिए ब्रांडिंग कर सकते हैं वो लोग, उनको असुविधा नहीं है. लेकिन जो मध्यम और छोटे व्यापार हैं वो उससे ब्रांड देखकर कंज्यूमर नहीं खरीदता है. उसमें ये लेकर देखता है कि एफएसएसएआई सर्टिफाइड है तो ठीक ही होगा. तो आई थिंक एक रेगुलेटर का रोल जो होना है वो बेल नहीं हो सकता. ये मैं देख रहा था. हालांकि मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि रेगुलेटर एक्चुअली फील्ड रियलिटीज में कभी कभी आपको असुविधा होती होगी और गलत तरीके से भी असुविधा होती होगी. बड़ा देश है हमारा, देश में गवर्नेंस और रेगुलेटरी इको सिस्टम सब डेवलप हो रहा है. कई विसंगतियाँ हैं रेगुलेशन में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो दूर करने की ज़रूरत है. लेकिन गवर्नमेंट और रेगुलेटर आपके साथ हैं और रेगुलेशंस को ठीक ढंग से बिजनेसेस को एक्सप्लेन करके उनको बेटर कंप्लायंसेस कराना, ये भी एक फेडरेशन का दायित्व हो सकता है. इसमें भी फेडरेशन एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है. तो कुल मिलाजुलाकर ये 10-point एजेंडा ग्रोथ स्टोरी फॉर ट्रेडिशनल मिठाई एंड नमकीन सेक्टर मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने आपसे शेयर किया है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस बात को ध्यान से देखेंगे और जो आखिर में जो त्यागी जी ने बोला था कि प्रोडक्ट रीफॉर्मुलेशन, जो इमेज इस सेक्टर की है, कि जब मैं वीरेंद्र जैन जी बोल रहे थे, उनका आर्टिकल मैंने कल भी पढ़ा दैनिक भास्कर में, कि ये सेक्टर डबल डिजिट ग्रोथ में बढ़ रहा है और 1,00,000 करोड़ रुपया का टर्नओवर है, तो मैं बड़े असमंजस में था. आप सबको शायद मालूम हो कि FSSAI, हालांकि इसके आगे फूड लिखा हुआ है, लेकिन हम एक पब्लिक हेल्थ रेगुलेटर हैं. वी आर ए पब्लिक हेल्थ रेगुलेटर. सो फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोथ ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इट इज़ अ गुड न्यूज़. बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ, वेदर दिस ग्रोथ एंड द साइज ऑफ दिस सेक्टर इज़ अ गुड न्यूज़ और नॉट इज़ ए क्वेश्चन मार्क. मैं थोड़ा असमंजस में हूँ कि पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर इतना बड़ा होना और इतना रैपिडली ग्रो होना, ये अच्छी बात है या खराब बात है. और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में ये क्वेश्चन मार्क ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के ऊपर लगने वाला है कि ये सेक्टर जो ग्रो हो रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही इसकी चर्चा हो रही है कि आज के दिन में जो ओवरऑल फूड एनवायरनमेंट है, जो खाना पीना हम लोग खा रहे हैं और जो मिल रहा है, वो उतना हेल्दी नहीं है जो पहले था. उसमें कुछ सेफ्टी के इश्यूज भी हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का इश्यू है, कंटेमिनेंट्स का इश्यू है, एफ्लाटॉक्सिन का इश्यू है, जो हमसे सीधा सीधा संबंध रखता है. और कुछ हेल्थ के भी इश्यू हैं, जो सॉल्ट, शुगर, इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट, उसको कम करने की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. तो इसलिए इस सेक्टर के लिए अगर ये ग्रोथ स्टोरी को मेंटेन करना है और बढ़ाना है, तो आपकी ग्रोथ स्टोरी 2.0 हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ स्टोरी ऑफ 1.0. मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ 85 ईयर ओल्ड शिव किशन अग्रवाल जी हैं, नागपुर के हल्दीराम जी से जो हैं, तो वो जब अपने बच्चों को अपना बिजनेस हैंडओवर करेंगे, तो उनको केवल ग्रोथ ही नहीं, उनको ये भी देखने की ज़रूरत है कि मैं अपने बच्चों को एक बिजनेस दे रहा हूँ जिसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, जो आने वाले माहौल में ठीक फिट हो रहा है, बैठ रहा है. तो
मैं अंत में आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ये आपने मौका दिया, और ये जो ग्रोथ स्टोरी ऑफ नमकीन एंड मिठाई, मिठाई एंड नमकीन सेक्टर 2.0, इसके ऊपर, इसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर आप ज़रूर विचार करें। आज और कल जो वर्कशॉप है, केवल ये फेडरेशन और एसोसिएशंस काफ़ी जगह जो बनते हैं, ये मात्र लॉबिंग के लिए बनते हैं, टू लॉबी विद द गवर्नमेंट, वाइल यू नो टू स्टेट द पोजीशन ऑफ अ इंडस्ट्री सेक्टर बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर द रेगुलेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बट आई थिंक ऑल योर मेंबर्स ऑल्सो रिक्वायर वैल्यू, वैल्यू दैट मस्ट कम फ्रॉम working together, and I think the federation can create a lot of shared value for all your members and associations by working together in that growth story of 2.0 with 10-point action plan, as I mentioned, and I wish you all the best. I hope that like you have grown to 100,000 crore, 1 lakh crore ki aapki turnover hai, agle 5 saalon mein 2000 crore, 2 lakh crore turnover ho, aur jaisa ki 10 se 12% growth iski ho rahi hai, ye to simple arithmetic hai, isme taaliyan bajane ki zarurat hi nahi hai, waise hi ho jani hai ye to, agar ye growth chalta raha, lekin isme jo adchane aa sakti hain उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दी है, तो उनके बारे में भी अगर ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये डेफिनेटली डबल हो जाएगी, और साथ में आप लोग भी अपना सर उठाकर बोल सकते हैं कि वी आर नॉट ओनली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वेल्थ फॉर द नेशन, वी आर लिविंग द वर्ल्ड ए बेटर वर्ल्ड फॉर आवर चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।